रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हर दिन कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के समर्थन में देश भर से दिग्गज नेता चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी एक या दो अक्टूबर को रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रोड शो करने वाले हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि रेवाड़ी में राहुल गांधी के कार्यक्रम 1 से 2 दिन में फिक्स हो जाएगा, जबकि 30 सितंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान वाटिका में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि रेवाड़ी के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा जब चिरंजीव राव के समर्थन में राहुल गांधी रोड शो करेंगे। रेवाड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चिरंजीव राव, जो लगातार अपना प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार उनके प्रचार प्रसार के लिए देश भर के नेता पहुंच रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि चिरंजीव राव के समर्थन में राहुल गांधी भी रोड शो करेंगे और अगले 1 या 2 दिन में राहुल गांधी का प्रोग्राम भी फिक्स हो जाएगा। 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को राहुल गांधी रोड शो करेंगे। इसके अलावा 30 सितंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जनसभा करेंगे। 30 सितंबर को अशोक गहलोत जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के, वो आ रहे हैं किसान वाटिका में 1 बजे, और 1 या 2 तारीख में से राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बन रहा है, इसमें रोड शो करेंगे रेवाड़ी के अंदर। मैं समझता हूँ कि आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो और बाहर जोड़ो न्याय यात्रा की है, और जो उनका ग्राफ ऊंचा उठा है और जिस तरीके से पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी बातें कही हैं, बेबाकी से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से आवाज उठाते रहे हैं, उनका यह आना मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे लिए। कॉपी कैट है, तो अब जो हमने 2000 बोल दी तो उन्होंने 2100 बोल दिए। पहले क्या कर रहे थे 10 साल तक? घोषणाएं जो उन्होंने करी हैं उनमें से 10 साल में उन्होंने कितनी लागू करी? पहले केजरीवाल किस मुंह से आएगा यहाँ एसवेल का पानी? किन इस इलाके को महरूम किसने किया पानी से? आज जो है एसवेल नहीं बनी, उसका दोषी कौन है? भगवंत मान और केजरीवाल,